Hello everyone. In previous lecture, we have discussed about different kinds of industries, that is the types of industries, small scale industry, medium scale industry, and heavy industry or large scale industry. Okay. So yesterday we have discussed and about all the kinds of industries along with the examples. Okay. Again, we have discussed about the agro-based industry. Today we are going to continue with the industrial development. Okay. So let us start. The establishment of industries and industrial development have an important role in the economic development of the country. ये earlier भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि obviously industries अगर ज्यादा होंगी तो जो income है वो ज्यादा होगा, तो obviously जो economic development होगी country की वो भी ज्यादा होगी. Industrial development is the essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of citizens. सिटीजन्स का पर कैपिटा इनकम एज वेल एज जो लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी लोगों का बढ़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर लाइफ स्टाइल इंप्रूव. द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री गोज अप एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. देखो अभी आप मुझे ये बताओ कि एक घर में अगर पहले एक पर्सन कमाता है और 10 फैमिली मेंबर्स है, तो उनको जो है जो मंथली इनकम है उनका, सॉरी एक्सपेंडिचर है, वो एडजस्ट नहीं होगा. लेकिन उसी घर में अगर 3 पर्सन कमाने वाले हैं और 10 पर्सन खाने वाले हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो जो 10 लोगों का खर्चा ये 3 लोग बराबर उठा पाएंगे. तो बोलने का मतलब यही है कि जब इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो ज्यादा से ज्यादा जो पीपल्स को है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो इंक्रीज होगा, एज वेल एज उनका पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगा. ओके, दिस रिजल्ट इन एन सॉरी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री गोज अप एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम लोगों का बढ़ता जाएंगे या फिर इंडस्ट्रीज में लोग जो है ज्यादा लगेंगे, इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली हम क्या कर पाएंगे, वो चीजें जो है जो ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगी हमने प्रोड्यूस कर ली, उनको शायद हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. और अगर ये चीजें हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी हमको मिलेंगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही. फॉर ऑल दीज रीजंस इट इज नेसेसरी टू गिव अ फिलिप टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री. इसीलिए हमें जो है अगर हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर देना पड़ेगा. The government establishes industrial estate to boost industrial development and increase the employment opportunity in the region. Government भी क्या करता है आपको एक industrial development के वजह से क्या होता है develop करने में वो जो help करेगा, तो उसका impact आपके जो per capita income है employment के ऊपर भी होगा. Industries have an important role in the economic development of a country. Hence, all the countries take special efforts for promoting industrial development. To enable this, industrial estates have been established, and these estates are given concessional rates for electricity, water, and taxes. Abhi, just now we have discussed about the estates. Abhi, ye estates kya hoti hai? कि थ्रू द स्टेट कंसेशनल रेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर का कुछ कम जो आपका एक्चुअल रेट है उससे आपको कम दाम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएंगी. वाटर के वाटर जो है वो भी उसका जो टैक्सेस लगते हैं या अदर टैक्सेस लगते हैं इसके ऊपर रिड्यूस करके, यानी कुछ ना कुछ कम करके आपको ये जो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. इसीलिए हर एक कंट्री ने जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए या उसको उसकी उसका डेवलपमेंट होने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए. ओके, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज MIDC, ठीक है. ऑन 1st August 1962 इन महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड थ्रू इट सेटअप इंडस्ट्रीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट. देखो ऑन 1st August 1962 इन महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज MIDC का जो ये एस्टैब्लिश हुई वो हुई 1st August 1862 इन महाराष्ट्र. ओके,
एंड थ्रू इट सेटअप इंडस्ट्रीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट. हर एक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल अपना महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री सेटअप करने की इन्होंने क्या की कोशिश की. ओके, सो थ्रू दिस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द स्टेट. यानी हर एक स्टेट में एक इंडस्ट्रीज होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. लाइक महाराष्ट्र अदर स्टेट हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश सच कॉर्पोरेशन. जैसे महाराष्ट्र ने MIDC का है ना, हमारे यहाँ भी MIDC है ना नागपुर में. जैसे इंडिया में सॉरी महाराष्ट्र में MIDC का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वैसे ही अदर स्टेट्स ने भी क्या किया, MIDC का एस्टैब्लिशमेंट किया. इन दीज इंडस्ट्रियल स्टेट्स वेरी ऑफन ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इन एडिशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन मेड अवेलेबल टू द लोकल पीपल. इन दीज इंडस्ट्रियल स्टेट्स वेरियस फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रीज हैव बीन मेड अवेलेबल. तो अकॉर्डिंग टू दीज इनको जो है स्टेट्स जो जो थी, यानी फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जो अभी जस्ट नाउ टोल्ड यू दे विल गिव जस्ट डिस्काउंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, दे विल जस्ट गिव डिस्काउंट ऑन द वाटर प्रोविजन एंड अदर टैक्सेस. तो इसके वजह से जो है ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और लोगों को लार्ज अमाउंट में क्या मिला, फैसिलिटीज मिली एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, now we will so through this paragraph we have known the importance of industry, that how industries are very helpful to us, okay, are important in our life. Okay, now next thing, there are many advantage of industrial development, there are also some disadvantage also. Har ek cheez ki advantage aur disadvantage zarur hota hai. For example aapka mobile consider karo, it is very useful to you. Essential भी है, useful है, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है just because of the mobile. लेकिन इसके disadvantages भी है, लोग इसका misuse करेंगे तो बहुत जो है उसका disadvantage इतना हो सकता है कि लोगों के life में impact पर जो है impact हो सकता है. So for example hacking हो गया, theft हो गया, है ना, लोग जो छोटे छोटे बच्चे जो है वो games के अधीन चले गए, तो games की वजह से जो है वो अपना लाइफ स्पॉइल कर देते हैं. तो ये सारी चीजें हैं, चोरियां बढ़ रही है, हैकिंग हो रहा है, तो ये सारी चीजें बढ़ती है. लेकिन इसके एडवांटेज अगर हम कंसीडर करेंगे मोबाइल, तो डिसएडवांटेज से बहुत ज्यादा है. वैसे ही इंडस्ट्रीज के भी क्या है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. ओके, सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द यूथ इज इन एन एरिया गेट एम्प्लॉयमेंट. It also helps in increasing the per capita income. For the economic development of the agrarian country, it is necessary to have the industries based on agricultural product. Such industries not only result in the agricultural development, but also the economic development of the country, and the standard of the living of the people also arises. Okay. Just now told you कि अगर industries की हम बात करेंगे और advantage की, तो obviously लोगों को क्या मिल रहा है, employment मिल रहा है. लोगों को employment मिल रहा है, per capita income of नेशन बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, लोगों का जो लिविंग का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंट बन रही है कंट्री, ठीक है. बट अगर उसका हम डिसएडवांटेज अगर देखें, इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन बढ़ रहा है दिन ब दिन, जहां पे जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो क्राउडिंग हो रहा है, तो इतनी सारी पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रीज के वजह से अगर पोल्यूशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली नेचर के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, नेचर की साइकिल जो है वो बदल जाती है, ठीक है. तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेजेस है. सो हर एक जो भी चीज लेंगे हम, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये सारी चीजें हमको मिलेगी. ओके, नाउ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच इन टुडेज वर्ल्ड. आपको पता है IT इंडस्ट्रीज. ओके, तो IT ये जो फील्ड है इंजीनियरिंग की, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे वर्ल्ड में. इन दिस ब्रांच वर्क इज कैरिड आउट बाई कंप्यूटर्स एंड इन दिस इंडस्ट्री इंडिया हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस. द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस. अभी ये जो IT इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश हो रही है और बहुत ज्यादा चल रही है, यहाँ पे लोग कंप्यूटर के ऊपर ही काम करते हैं,
ठीक है, मैन पावर अपने यहाँ स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड मैन पावर है, इसके वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश भी हो रही है. इन दिस इंडस्ट्री सर्चिंग फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड कंप्लीटिंग इट, प्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली एंड प्रोवाइडिंग इट एज पर रिक्वायरमेंट इज द नेचर ऑफ द वर्क. क्या करना है इसका, क्या है इन टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, कंप्लीट करना है और प्रेजेंट करना है ग्राफिकली. तो ये सारा वर्क जो है वो आईटी इंडस्ट्रीज में होता है. ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड अदर सर्विसेज. और जो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, बाय यूजिंग द कंप्यूटर, बाय यूजिंग मोबाइल्स, बाय यूजिंग अदर डिवाइसेस. द क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर ऑन दीज हैंडसेट्स इज द अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री. आपको पता है दिन ब दिन नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिश करना भी कोई आसान बात नहीं है. इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल लगती है, स्किल्ड जो है मैन पावर लगता है. तो ये जो क्रिएशन का काम है और डेवलपमेंट का काम है सॉफ्टवेयर का, वो ये आईटी इंडस्ट्रीज में होता है. टुडे देयर इज एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड इट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और पूरे ये जो इंफॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो बहुत ही यूजफुल है. ठीक है, नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन द इंडस्ट्रियलिस्ट और अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज मीन बाय CSR? What is mean by corporate social responsibility? When an industries or a group of industries, एक industry या फिर industry का group क्या करता है, work for the betterment of the society and for the conservation of the environment. Society के beneficial के लिए, इसी के साथ साथ environment के conservation के लिए, ठीक है, एक जो है एक group है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किस बात की, the betterment of the society and conservation of environment. That's why the name is corporate social, or it is a social work. That's why the name is here. It's suitable. It's very very suitable. Corporate social responsibility. Showing responsibility to society by helping needy people or needy organization is an important task. जिनको जरूरत होती है, जो needy organization है, needy people है, उनको ये जो है work करती है, ये उनके लिए उनको help करती है, ठीक है, ये society. With this objective, when an industry or a group of industries have made a profit of over 5 crores, अगर इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ने या फिर इंडस्ट्रीज ने, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने अगर 5 crore से ऊपर अगर प्रॉफिट किया, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन एक्ट्स बेनिफिटिंग द सोसाइटी. 5 crore का 2% जो भी ये होगा, जो भी जो रुपीस बनते हैं, वो पूरा खर्चा जो है ये लोगों के बेनिशियल के लिए या फिर लोगों के जो है अच्छे कामों के लिए किए, कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल दे विल प्रोवाइड द 2% ऑफ द इनकम. ओके, सो फॉर दिस देयर असिस्टेंट इन द एरियाज बिलो इज एक्सपेक्टेड, द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज रिलेटेड टू द हेल्थ, फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, द डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड रीजन, इस्टेब्लिशिंग सेंटर्स फॉर द पीपल लाइक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सेंटर्स, एनवायरमेंट को हम कैसे बचा सके, उनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते, विलेज का डेवलपमेंट कैसे कर सके, कैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, कैसे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, इसीलिए क्या होता है ये सारा जो है वो पूरा प्लानिंग किया जाता है. ठीक है, एंड देयर इज अ टैक्स रिबेट ऑन द अमाउंट स्पेंड बाय द इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन वेरियस स्कीम्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके लिए जो टैक्स रिबेट भी उनको मिलता है, ठीक है, तो कौन सी स्कीम के अंडर, अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट
social responsibility. This industry is doing a very good job, okay, for the betterment of the society and environment. Okay, so hats off them. So in this way, today we have discussed about the industrial development. In that, we have discussed about the role of the MIDC. Okay, then how the MIDC is providing the people the employment to the people residing in the district of each state. Okay, then we have discussed about the advantages and disadvantages of industrialization. And then afterward, we have discussed about the corporate social responsibility, which is a great organization who is helping or who is working for the betterment of the society and conservation of environment. Okay, the next portion we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye and have a nice day, you all.